मंदिर भूमि पूजन पर भजन कीर्तन का आयोजन, जहां एक तरफ 500 साल के बाद भगवान श्री राम के मंदिर का आज शिलान्यास व भूमि पूजन किया जा रहा है, वहीं आज उत्तराखंड के जनपद चमोली के बद्रीनाथ विधानसभा के दुरुस्त ब्लॉक पोखरी में विनायक धार से समस्त गोलियों से होकर मुख्य बाजार तक श्री राम के जयकारों के साथ रैली निकाली गई। रैली के बाद स्थानीय महिलाओं और समस्त राम भक्तों द्वारा हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का पाठ किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज इंडिया। पोखरी से स्टेशन तक बाजार तक जा रहा है और इसके बाद ये हनुमान मंदिर में इसका थोड़ा सा प्रोग्राम है, जिसमें हम राम भक्ति का काम करेंगे। कि वैसे तो क्या कहते हैं, राम मंदिर की मांग तो कई सालों से थी, ठीक है, ये तो कई लंबा अरसे के बाद हमको ये दिन नसीब हुआ है। तो मैं ये सीधे सीधे मैं तो हिंदुत्व की जीत मानती हूँ, माना कि मंदिर धर्म जो भी है वो तो समाज के अकॉर्डिंग बटे हुए हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि इसमें हिंदू और मुसलमान का कुछ है, ये मंदिर जहाँ जो चीज़ थी वो चीज़ वहाँ बननी चाहिए। पहले मंदिर था तो मंदिर बनना जरूरी है। इसमें ये है कि जिन्होंने इतने सालों से संघर्ष किया ये उनकी जीत है, मैं इतना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम आपको धन्यवाद और आभार करना चाहूँगा। आज आपने सारे प्रोग्राम की यहाँ पे कवरेजिंग की। विगत 500 वर्षों से देखा तो हमने भी नहीं है 500 साल पहले क्या हुआ था, पर विगत 500 वर्षों से ये मांग चली आ रही थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। यहाँ पर जबरन मुगलों के समय में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में जब कार सेवक नाम का एक श्रमदानी कहेंगे उसे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो आज उस कार्यक्रम को एक अंजाम मिला है। अंजाम तो इस कार्यक्रम को 9 नवंबर 2019 को मिल गया था। रंजन गोगोई जी की अध्यक्षता में 5 जजों की पीठ ने जब यह फैसला सुनाया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, तो उसी दिन हम लोगों को एक बड़ी सौगात मिली थी। और इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को प्रत्येक आभार धन्यवाद समस्त देशवासियों की तरफ से करना चाहेंगे कि जो कार्य विगत 500 वर्षों में पूर्व की सरकारें नहीं कर पाई, पूर्व के लोग नहीं कर पाए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 6 साल में ये कार्य करके दिखाया। हमें